स्वागत आप सबका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे एक ट्यूबलाइट कैसे काम करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ट्यूबलाइट कितने वोल्टेज पे काम करता है तो आप क्या बताएंगे, 220 वोल्टेज, 210 वोल्टेज, यही तो बताएंगे। तो क्योंकि हमारे घर में जो 220 वोल्ट तो रहता है तो सभी ज्यादातर लोग यही कहेंगे हाँ 220 वोल्टेज पे ही काम करता है। लेकिन हो सकता है आप गलत हो, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और अंत तक देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये बात आपको पता थी या फिर नहीं। तो चलो बिना कुछ टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो ट्यूबलाइट में मेनली तीन चीज रहता है, एक ट्यूबलाइट ठीक है, उसके बाद रहता है कि स्टार्टर और चोक कॉइल। ठीक है, पहले हम चोक कॉइल के देखेंगे। चोक कॉइल ऐसा है, चोक कॉइल, और चोक कॉइल के अंदर क्या है वो मैंने नीचे दिखाया है। ठीक है, देखो चोक कॉइल के मेनली रहता है क्या है, एक कोर रहता है। ठीक है, यह सिलिकॉन स्टील से बना होता है। एक कोर के ऊपर रहता है ऐसे वायर, ठीक है, वाइंडिंग रहता है, एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसे वाइंडिंग किया रहता है इसके ऊपर। ठीक है, कॉइल का दो सिरा, एक ए रहा, एक ए रहा। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये है फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये खाली आंखों से हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन जब कॉइल में हम सप्लाई देते हैं, ठीक है, इस चोक कॉइल में जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसके चारों तरफ बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब चोक कॉइल का मेन काम यही है, वो लाइन में कोई भी चेंज इसको पसंद नहीं। ठीक है, वो अगर लाइन में करंट थोड़ा सा भी घट जाए तो क्या करेगा, उसको स्टेबल कर देगा। अगर करंट बढ़ जाएगा तो भी उसे स्टेबल कर देगा, घट जाएगा तो भी उसे स्टेबल कर देगा। इसका ये पसंद नहीं, लाइन में कोई भी चेंज इसे पसंद नहीं। ये हमेशा यही कोशिश करता है कि लाइन में करंट हमेशा स्टेबल रहे। ठीक है, और एक है, और एक चीज़ है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करके रखता है। क्यों करके रखता है बाद में बताऊंगा, क्योंकि बाद में ही हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ रहता है, क्या रहता है, ये स्टार्टर। अब स्टार्टर कैसे काम करता है, स्टार्टर क्या होता है, सिंपली जब हम करंट सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर क्या रहता है, एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप रहता है। ठीक है, अब बायोमेटेलिक स्ट्रिप कैसे काम करता है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप देखो बायोमेटेलिक स्ट्रिप से जैसे ही थोड़ा सा करंट फ्लो होता है तब क्या होता है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद ऐसे बैंड हो जाता है। ठीक है, जैसे ही बैंड हो जाता है क्या होता है, सर्किट ओपन हो जाता है और करंट फ्लो बंद हो जाता है। तो स्टार्टर का काम यही है कि जैसे ही थोड़ा सा करंट इसमें से पास हो जाए तो ये बैंड होकर सर्किट को ओपन कर देना, यही है इसका काम। ठीक है, अब ये टोटली काम कैसे करता है, देखो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर ट्यूबलाइट से स्टार्टर सीरीज में कनेक्ट कर दिया, उसके साथ चोक कॉइल को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। कैसे मैं बताता हूँ, देखो फेस तार मैंने सीधा चोक कॉइल का एक सिरा पर मैंने लगा दिया, चोक कॉइल का दूसरे सिरा पर तार मैंने कहाँ लगाया, ट्यूबलाइट के एक साइड के फिलामेंट पे लगा दिया। ट्यूबलाइट का वो उसका और एक फिलामेंट का जो तार है वो तार मैंने स्टार्टर पे लगा दिया। ठीक है, स्टार्टर से कहाँ लगाया, दूसरे फिलामेंट पे, और दूसरे फिलामेंट पे न्यूट्रल लगा दिया। यहाँ पर देखो मैंने करंट फ्लो दिखाया, मैंने करंट फ्लो ग्रीन डॉटेड लाइन से मैंने करंट फ्लो दिखाया, मतलब फेस से चोक कॉइल से फर्स्ट फिलामेंट ट्यूबलाइट का, उसके बाद स्टार्टर से दूसरा फिलामेंट, फिर उससे न्यूट्रल। जैसे ही थोड़ा करंट फ्लो होता है देखो बायोमेटेलिक स्ट्रिप ओपन हो जाता है। क्यों, क्योंकि बायोमेटेलिक स्ट्रिप का काम ही है ये, जब भी थोड़ा गर्म हो जाए, गर्म होने के बाद ये बैंड हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, जैसे ही देखो यहाँ पर बैंड हो रहा है, ध्यान से देखो एक चोक कॉइल क्या कर रहा है, मैंने पहले ही बताया चोक कॉइल को लाइन में कोई भी चेंज पसंद नहीं। जैसे ही चोक कॉइल दिख रहा है कि यहाँ सर्किट ओपन हो गया है, ये चोक कॉइल क्या कर रहा है, अपना जो मैग्नेटिक फील्ड में जो भी एनर्जी स्टोर कर रखा था सब एक साथ छोड़ दे रहा है। छोड़ देने के बाद क्या हो रहा है, देखो एक ऑरेंज कलर का डॉटेड लाइन दिख रहा है। मैंने उससे क्या, वहाँ पर मैंने यही दिखा है कि हाँ एक एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर रहा था, वो एनर्जी एक साथ छोड़ देता है। जैसे ही छोड़ देता है क्या होता है, एक वोल्टेज जनरेट होता है। वो वोल्टेज 800 से लेकर 1000 वोल्टेज तक हो सकता है। वो वोल्टेज क्या कर रहा है, ट्यूबलाइट के अंदर जो गैस है उस गैस को वो चार्ज कर दे रहा है। जैसे ही चार्ज कर दे रहा है, ट्यूबलाइट का गैस से कंडक्टर की तरह काम करता है। तब क्या होता है, फिर से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, लेकिन तब करंट फ्लो स्टार्टर से नहीं, तब
ट्यूबलाइट के एक फिलामेंट से दूसरे फिलामेंट तक गैस के अंदर से करंट फ्लो होता है जैसे आपको दिख रहा है। उसके बाद से ट्यूबलाइट कंटिन्यूसली जलता ही रहता है। तो ट्यूबलाइट ऐसे ही काम करता है। अब सवाल ये है ट्यूबलाइट कितने वोल्टेज पे जल रहा है, ठीक है। अब देखो हिसाब लगाते हैं, ये चोक कॉइल कितने वाट का है, 40 वाट का, ठीक है। ट्यूबलाइट कितने वाट का, 60 वाट का, तो टोटल कितना वाट हो गया आपका, 100 वाट, ठीक है, आपका 100 वाट हो गया। अब 100 वाट अगर हो जाए तो भाई ये ट्यूबलाइट कितना करंट कंज्यूम करेगा, मैं मान लेता हूँ आपके घर में 200 वोल्ट है, ठीक है। मैं 200 इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आसान हो, ठीक है। तो वाट को जैसे ही हम वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टोटल करंट हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब टोटल करंट हमको मिल गया, अब क्या करेंगे, हम यही देखेंगे कि 40 वाट का चोक कॉइल कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे चोक कॉइल में। तो चोक कॉइल में वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे, हमारे पास वाट है और हमारे पास क्या है, करंट है। तो हम पहले इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर इक्वल टू वाट। तो हमारे पास 40 वाट है और इसको जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो रेजिस्टेंस इसका है 160। तो ये 40 वाट का चोक कॉइल कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, 80 वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कितना वोल्टेज है अभी बचा, वोल्टेज कितना है, 120 वोल्टेज अभी बचा है। तो 120 वोल्टेज कौन ड्रॉप करेगा, ट्यूबलाइट 120 वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो ट्यूबलाइट मेनली 110 से लेकर 125 वोल्ट के अंदर ट्यूबलाइट जलता है, ठीक है। अब मेरा और एक सवाल है कि ट्यूबलाइट एक सेकेंड में कितने बार जलता है, क्या आप कोई भी बता पाओगे, अगर कोई भी बता पाए तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप ये देखना चाहते हो कि एक सेकंड में एक ट्यूबलाइट कितना जलता है या फिर कोई भी फिलामेंट बल्ब एक सेकंड में कितना जलता है, तो भाई आई बटन पे एक लिंक दिया है, जाओ उस वीडियो को देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि एक लाइट एक सेकंड में कितना बार जलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो इस चैनल पे डालता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।